सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज नगर का मुख्यालय, रेलवे फाटक, व्यापारी, मजदूर, राहगीर और रहिवासी समेत सभी स्कूली बच्चों के लिए जी का जंजाल बन गया है। लगातार ट्रेनों के आवागमन के चलते लंबे समय तक रेलवे फाटक बंद रहता है। रेलवे फाटक खुलने के इंतजार में लोग जब तक खड़े रहते हैं तब तक दूसरी ट्रेन आ धमकती है। देखते ही देखते फाटक के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग जाती है। नगर में जाम की समस्या लोगों के लिए दिन ब दिन नासूर बनती जा रही है। आपको बता दें कि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज न होने से आने जाने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होती है। छोटे बड़े वाहनों के साथ राहगीरों को इस जाम की समस्या से निजात मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। आम लोग ही नहीं, प्रशासनिक अधिकारी भी जाम में फंसते हैं। बावजूद इसके समस्या के समाधान के लिए कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं जिम्मेदार लोग लगातार ओवर ब्रिज बनने का आश्वासन दे रहे हैं। इस मामले में सोनभद्र नगर पालिका अध्यक्ष रूबी प्रसाद ने यह पूरा मामला रेलवे के मत्थे जड़ दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह मामला रेलवे का है। जो रेलवे लाइन यहां से गुजरती है वह सोनभद्र नगर पालिका क्षेत्र से आता है। हम निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास करेंगे। चूंकि ये रेलवे का है, मामला है और रेलवे ब्रिज से संबंधित है, और जो लैंड है, जमीन जिस लैंड से ये गई है रेलवे लाइन, वो नगर पालिका के क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो रेलवे के यहाँ DRM धनबाद हैं हम लोगों का, उनको पत्राचार करूँगी कि इस पर ब्रिज बनाया जाए। और साथ ही साथ जो है, हम सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूँकि हमारा गवर्नमेंट है, हम उनके प्रतिनिधि हैं, तो उनसे भी, जो रेल मिनिस्टर हैं, उनको भी मैं अपना पत्राचार करूँगी और पत्र लिखूँगी कि इस पर एक ओवर ब्रिज बनाना जनहित में अति आवश्यक है, ताकि जो लोगों को आए दिन जाम का छुटकारा मिल सके, आए दिन जाम से छुटकारा मिल सके, इसके लिए पूरा प्रयास करूंगी। वहीं विधायक भूपेश चौबे का कहना है कि रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनाना बहुत जरूरी है। 2017 से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यहां पर ओवरब्रिज बने। बीच में अंडरपास बनने की भी स्वीकृति मिली थी, मगर अंडरपास व्यवहारिक दृष्टि से सफल नहीं हुआ। देखिए, वो बहुत जरूरी है वहाँ ओवरब्रिज बनना, क्योंकि रावणसुंद के पूर्वी हिस्से का आना जाना उसी रास्ते से है। 2017 से ही मैं इसके लिए लगातार प्रयास में हूँ कि यहाँ ओवरब्रिज बने। बीच में अंडरपास के लिए स्वीकृति भी मिल गई थी, लेकिन अंडरपास वहाँ के व्यवहारिक दृष्टि से सफल नहीं था। इस दृष्टि से देश के रेल मंत्री, प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, PWD मंत्री जी से मिल करके इस विषय का आग्रह किया गया कि यहाँ पे ओवरब्रिज बनाया जाए। उस दिशा में काफ़ी कुछ सफलता मिल चुकी है और जल्द ही इसकी स्वीकृति प्रदान होगी और कार्य प्रारंभ होगा और ओवरब्रिज बनेगा। ओवरब्रिज आवश्यक है और बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक इसके लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। वहीं इस मामले में आपको बता दें कि रेलवे फाटक पर लगने वाले जाम के बारे में जब सोनभद्र के स्टेशन अधीक्षक राममणि सारस्वत से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस मामले में चुप्पी साध ली। उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। ज्योति यादव के साथ ज्ञान प्रकाश चतुर्वेदी की रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश टाइम्स, सोनभद्र।